नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। और सोनभद्र जिला पुलिस ने केवटा में हुई हत्या की घटना का खुलासा कर दिया है। इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर घोरावल पुलिस ने यह कामयाबी हासिल की है। थाना घोरावल पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम केवटा निवासी शंकर बिंद पुत्र मजनू बिंद, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष की है, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गले पर धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए थाना स्थानीय पर वादी राजेश कुमार पुत्र स्वर्गीय सीताराम निवासी ग्राम केवटा थाना घोरावल जनपद सोनभद्र के लिखित तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस घटना के शीघ्र अनावरण कर व घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अमरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा टीम गठित कर संबंधित को विशेष निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में आज पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया और एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। थाना घोरावल के केवटा गांव में भाई द्वारा भाई की हत्या किए जाने का प्रकरण प्रकाश में आया है। 22 तारीख की सुबह में केवटा ग्राम में शंकर बिंद नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और शाम को उसके भतीजे द्वारा ये सूचना दी गई, जिसमें ये शिकायत की गई कि मृतक के छोटे भाई राधेश्याम के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। जो इसमें आरोपी है उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और हत्या में प्रयुक्त फुलहारी को अपनी निशानदेही पर निगर से ही बरामद करा दिया। हत्या का कारण जमीन संबंधी विवाद है। मृतक चार भाई थे और इसमें एक जो मृतक से जो हत्यारा राधेश्याम है उसने एक बीसवा जमीन लेने का सौदा तय किया था और इसके लिए 1,27,500 रुपया उसने दिया हुआ भी था, लेकिन विगत कुछ दिनों से ये मृतक जो मृतक अपने दूसरे भाई के बच्चों के साथ रहना शुरू कर दिया था और इसी वजह से रंजिश हुई थी और इसकी वजह से ये हत्या की गई।